चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही है। रांची के रिम्स में इलाज करा रहे लालू यादव की किडनी की कार्य क्षमता काफी कम हो गई है। तो पहले से गिरावट आई है और ये एक एस्टिमेशन है, 25% भी है, कोई डाटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं निकाला जाता है। ये एक एस्टिमेट है कि अगर इतना काम कर रहा है, इतना क्रिएटिन है या इतना ईजीएफआर है, तो एक हम ये कर सकते हैं कि अभी 50% काम कर रहा है, इतना है तो हम कर सकते हैं 30%। तो ये अभी हम लोग स्टेज 4 पे है। ये तो स्टेज 4 मतलब कि हम लोग कर सकते हैं कि 25% से कई काम कर रहे हैं। लालू यादव के किडनी के टेस्ट को देखकर डॉक्टर यह भी कह रहे हैं कि कभी भी लालू यादव को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। इसके बारे में रिम्स निदेशक को लिखित सूचना भी दे दी गई है। डायबिटीज जब भी होता है तो उसके साथ किडनी फंक्शन, हार्ट का फंक्शन और भी मैंने पेरिफेरल नर्व है या सब जो भी फंक्शन है वो धीरे धीरे डिटेक्ट करना शुरू करता है। और ये समझिए कि 15 से 20 साल में एंड स्टेज रेनल डिजीज में ला के मरीज को खड़ा कर देता है। लालू जी भी करीब करीब उनका 20 के आसपास हमको लगता है कि डायबिटीज हो गया है। और ये तो समझिए कि हॉस्पिटल में इतने दिनों से है जिस कारण से इनका शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सब 24/7 मॉनिटरिंग होता है, तब जाके इतना प्रोग्रेशन स्लो होगा, नहीं तो ये 3-4 महीना पहले ही चले जाते हैं। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह की तारीख दे दी। इधर सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किए गए अपने जवाब में कहा है कि लालू की हालत स्थिर है, वे रिम्स में भर्ती होने के बावजूद फोन से राजनीति कर रहे हैं, उन्हें फिर से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेजा जाना चाहिए। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए लालू की सजा अवधि पूरी नहीं होने के दस्तावेज दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सजायाफ्ता की कुल सजा की आधी अवधि पूरी होने पर जमानत दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में लालू के वकील आधी सजा पूरी होने का दावा करते हुए बेल की मांग कर रहे हैं। हालांकि निचली अदालत से लालू को दी गई सजा की सर्टिफाइड कॉपी उच्च न्यायालय को अब तक नहीं मिल सकी है। ऐसे में जमानत याचिका पर 6 हफ्ते बाद अब सुनवाई होगी। और इस बीच लालू यादव की तबीयत को देखते हुए तो कहा जा सकता है कि आरजेडी समर्थक के लिए यह खबर निराशाजनक जरूर है। रांची से आकाश कुमार की रिपोर्ट।